नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे उन सभी भाइयों के लिए है जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 1 तारीख को यानी कल के दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो किसानों के खातों में आने वाला है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में लोगों को नहीं पता है कि जिन्होंने केवाईसी नहीं कराई है तो क्या उनको जो है इसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा प्रोसेसर जान लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपडेट देख दीजिए, जो कि अपडेट यहाँ पर आया हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को 10वीं किस्त का हस्तांतरण और एफयूएस को इक्विटी अनुदान 1 जनवरी 2022 को समय 12:30 पर जो है यहाँ पर उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप यहां पे सबसे पहले अपडेट देख लीजिए कि जो पैसा है आपका वो कल की तारीख में वहां से ट्रांसफर किया जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर आपने ये तो जान लिया कि आपको कल जो है किस्त मिलने वाली है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपने पीएम किसान की ईकेवाईसी नहीं कराई है तो क्या आपको यह पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पीएम किसान ईकेवाईसी का जो काम है वो यहाँ पर आप pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर कर देख सकते हैं और यहाँ से आप पीएम किसान ईकेवाईसी कर सकते हैं। दोस्तों, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आप सीधे इस वेबसाइट को खोल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे केवाईसी नहीं कर पाई है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो साइट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ओटीपी भी नहीं आता है, उसके साथ साथ यहाँ पर कई लोगों के जो है आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं है और सीएससी पर अभी प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको इसका पैसा मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, आपको इसका पूरा पैसा मिलेगा, आपकी जो 10वीं किस्त है वो आपके खाते में जरूर जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको अगले आने वाले मार्च के महीने तक जो है अपनी केवाईसी जरूर करानी होगी, वो आपको अनिवार्य है। अगर दोस्तों आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो उसके बाद जो भी आपकी किस्तें हैं वो आपके बैंक खाते में नहीं जाएंगी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर प्रॉपर सत्यापन चल रहा है और देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पैसा जो है आपको 1 तारीख को जो है सभी बैंक खातों में डाल दिया जाएगा। जितने भी जो है 10 करोड़ लगभग इसके लाभार्थी हैं तो उनको इसका पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसका जो किस्त है वो किन लोगों को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए आपको जाना है डैशबोर्ड के अंदर और जैसे ही आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए तो आपके सामने ये जो है पेज आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ से आपको अपना स्टेट चुनना है, जो भी आपका स्टेट लगता है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, अपना यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट आप चुनेंगे। तो सब डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद यहाँ पर आप अपना विलेज चुनेंगे और शो के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड देखिए आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है आंकड़ा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिखा है पेमेंट स्टेटस। सो यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट किया है जिस ग्राम पंचायत को, वहां पर जो 970 लोग हैं, यानी कि फ्रेंड्स 977 लोग ऐसे हैं जिनको पूरा पैसा मिल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स 59 लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर कुछ ही पैसा जो है मिला हुआ है, सारी किस्तें नहीं मिली हुई है। और फ्रेंड्स 100 लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रिसीव नो पेमेंट। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आधार स्टेटस में आते हैं तो यहाँ पर आपको चेक करना है रिजेक्ट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों के यहाँ पर आधार रिजेक्ट हो चुके हैं, कितने यहाँ पे इनवैलिड हैं और कितने पेंडिंग फॉर वैलिडेशन के लिए हैं। तो अगर इनमें से आप आ रहे हैं तो दोस्तों आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था तो उनके रिजेक्ट हो गए हैं, या फ्रेंड्स एक्सेप्ट है या पेंडिंग में है तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, जिनके रिजेक्ट हैं और पेंडिंग है उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो यहाँ पर पहले पेमेंट स्टेटस में रिसीव ऑल पेमेंट्स दिखता है, अगर आपका नाम यहाँ पर शामिल है तो आपको जो है इसका पैसा मिलेगा।
तो दोस्तों अब बता दें, जो लोग केवाईसी मारामारी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको फ्रेंड्स वेट करना है, और जैसे ही केवाईसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सही तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर या स्वयं के द्वारा भी अपनी केवाईसी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि आप स्वयं से अपनी केवाईसी कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाके उस पोस्ट को पूरा पढ़ेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, तो आप स्वयं से अपनी केवाईसी कर पाएंगे। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप अपनी केवाईसी कर पाएंगे। और दोस्तों 1 तारीख को आपको किस्त इसकी मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों अगर आपको इसकी किस्त नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं तुरंत ही आपको इसका अगला प्रोसेस बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।